वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर मैट्रिक क्लास के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ये सेट आपने जो है पहले 6th क्लास 7th और 8th में भी सेट के जिक्र किया होगा और पढ़ा भी होगा, उसके बारे में सुना भी होगा। तो वहाँ मैट्रिक में इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, मैं भी सेम चीज होगी। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। ये कलेक्शन है किसका? मजमा है वेल डिफाइंड एंड डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का। एक डिफाइन किए गए नंबर्स जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स है उसको, उसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट। सेट्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, उनके कैपिटल लेटर्स को सेट को डिनोट किया जाता है। यहाँ भी हम क्या करेंगे? फॉर्म्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। ज़्यादातर जो हमारा फोकस होगा फॉर्म्स ऑफ सेट्स, सेट्स को लिखने के तरीके या टाइप्स ऑफ सेट्स के हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन हमारे पास टाइप्स होते हैं या फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है? वो डिस्क्राइब द सेट्स, वो डिस्क्राइब द सेट्स इन वर्ड्स। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं? सेट को डिफाइन करते हैं या लिखते हैं वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट ए है, सेट ऑफ फर्स्ट फोर इवन नंबर्स। ये जो हमने स्टेटमेंट में लिखा है, इस स्टेटमेंट के फॉर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके अलावा हमारे पास दूसरा फॉर्म है लिखने का, जिसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। टेबुलर फॉर्म, इन दिस फॉर्म सेट कैन बी डिस्क्राइब बाय टेबल एंड रिटन इन मिडिल ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। इन दिस फॉर्म सेट कैन बी डिस्क्राइब बाय टेबल एंड ड्राइव रिटन बाय मिडिल ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। इन एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। और एग्जाम्पल देखें हमारे पास, ये हमने इसको वर्ड्स में लिखा, अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे? ये हमारा सेट है जो मिडिल ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ये हमारे पास मिडिल ब्रैकेट्स है। क्या है सेट? क्या कहता है सेट? कहता है फर्स्ट फोर इवन नंबर्स, मतलब पहले चार जो इवन नंबर्स है वो लिखें, मतलब 2, 4, 6, 8। ये देखिए हमारा कौन सा फॉर्म आ गया? ये हमारा टेबुलर फॉर्म। यही सेम सेट हमने वर्ड्स में भी लिखा और टेबुलर फॉर्म में भी लिखा। अभी सेट को डिफाइन करने का तीसरा फॉर्म भी है जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट्स कैन बी, सेट कैन बी डिस्क्राइब इन नोटेशंस। इस फॉर्म में हम सेट को नोटेशन निशानियों के तरीके से लिख सकते हैं। कैसे निशानियां हम इस्तेमाल करेंगे? सपोज करें हमारे पास सेट ए है, लिखेंगे ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए नंबर्स। ये हमारा जो ए सेट है ये ताल्लुक रखता है, किससे ताल्लुक रखता है? ए नंबर से। एंड ये नोटेशन जो शो करेगी एंड को, एंड ए इज, जो ए सेट है ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन आर इक्वल टू 8। जो हमारे पास ए है वो क्या है? 8 से छोटा है या 8 के बराबर है। मतलब यहाँ से जाहिर हो रहा है कि जो हमारे पास ए सेट है वो इवन नंबर से, और वो इवन नंबर से यहाँ तो 8 तक हैं या 8 से छोटे हैं। अगर 8 से छोटे होंगे तो 8 खुद भी होगा 8, 6, 4, 2। सेम यही हमने क्या किया, तीनों फॉर्म्स में एक ही सेट को डिस्क्राइब किया। तो ये तीन फॉर्म्स हैं जो हम यहाँ पे आपको मैट्रिक क्लास में सिखाएंगे, इसके बारे में प्रॉब्लम्स भी करेंगे। अब देखिए जो हमारे पास नोटेशंस यूज होंगी इसमें, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देखा जाएगा तो एक नोटेशन होगी सच दैट, सब्जेक्ट का मतलब जैसा कि, उसके बाद हमारे पास बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखना
बिलोंग्स टू के फलां सेट का ताल्लुक फलां से है या इस सेट का ताल्लुक इस नंबर से है। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू, ये दो निशान इस्तेमाल होंगे। उसके बाद इसकी में एंड की निशानी, उसके बाद आर की निशानी भी इस्तेमाल होगी इसमें, क्योंकि ये फॉर्म ही कौन सी है, बिल्डर फॉर्म है, और बिल्डर फॉर्म में हमें सेट को लिखना है, नोटेशन में है। तो सबसे पहले हमें नोटेशंस के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर नोटेशन के बारे में पता चल गया तो इजीली हम किसी भी फॉर्म को, चाहे वो टेबुलर फॉर्म में हो या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ये कन्वर्जेशन हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होगा उसमें आपको और ज़्यादा तरीके अच्छे बेहतर तरीके के साथ सिखाई जाएगी। आज तक के लिए यही काफ़ी है।